क्षेत्र में गुरुवार की शाम गला रेतकर की गई युवक की हत्या के मामले में शुक्रवार को दूसरे दिन भी कातिलों का कोई सुराग करेड़ा पुलिस के हाथ नहीं लग पाया। वारदात से इलाके में दहशत का माहौल है। इस बीच आज CHC करेड़ा में युवक के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। उधर मृतक के चाचा की रिपोर्ट पर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं भील समाज ने पुलिस से 5 दिन में हत्या का राजफाश कर कातिलों को गिरफ्तार करने की मांग की है। मांग पूरी नहीं होने पर समाज की ओर से आंदोलन करने की चेतावनी भी ज्ञापन में दी गई है। गौरतलब है कि करेड़ा भीम मार्ग पर गुरुवार शाम मुख्य सड़क से करीब 100-150 मीटर की दूरी पर स्थित खेतों की पगडंडी पर एक युवक को खेतों से घर लौट रही महिलाओं ने पड़ा देखा। युवक लहूलुहान था। महिलाओं ने करीब जाकर देखा तो युवक के गले से खून निकल रहा था। युवक का गला रेता हुआ था। ग्रामीणों ने इसकी सूचना थाना सरपंच शिवलाल गुर्जर को दी। सरपंच गुर्जर मौके पर पहुंचे और पुलिस को फोन किया। इस पर करेड़ा थाना अधिकारी जसवंत सिंह मई जाप्ता मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने युवक की पहचान थाना पंचायत के नीलवाक भीलों का बारिया निवासी पप्पूलाल 40 पुत्र घीसूलाल भील के रूप में की। बताया गया है कि पप्पूलाल मजदूरी करता था। मृतक का गांव घटनास्थल से 2 किमी दूर ही है।